सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे अधिक महत्व रखने वाले पर्व यानी करवा चौथ की रौनक बाजार में दिखाई देने लगी है, जहां महिलाएं बाजार में करवा के साथ ही पूजा कैलेंडर और छलनी को खरीदते हुए देखी जा सकती है। इतना ही नहीं बल्कि महिलाएं जेवर और कपड़ों की दुकानों पर भी अधिक मात्राओं में दिखाई दे रही हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सुहागिन महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले पर्व यानी करवा चौथ इस बार 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इस पर्व पर सुहागिन महिलाएं अपनी सुहाग की रक्षा और पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। अब इस पर्व को 1 दिन शेष रह गए हैं, ऐसे में महिलाएं भी अब इस पर्व की तैयारी में जुटी हुई हैं, जिसके लिए वो बढ़ चढ़ कर तैयारियों में दिखाई दे रही हैं। इसमें वो पूजन और श्रृंगार सामग्री खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रही हैं और ऐसे में महिलाओं की भीड़ बाजार में दिख रही है। इससे बाजार में पूरे दिन चहल पहल बनी हुई है। बुधवार को महिलाएं चांद का दीदार कर व्रत समापन करेंगी। मेरा नाम अंबिका है। हाँ जी, मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। करवा चौथ की इस बार बहुत धूम मची हुई है और काफी रौनक है इस मार्केट में, और सभी औरतों को बहुत बहुत करवा चौथ की शुभकामनाएं। ये त्योहार क्यों रखते हैं, इसके लिए रखते हैं क्या? अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए, और वो हमेशा खुश रहे, इसलिए हम ये त्योहार रखते हैं। क्या नाम है आपका? दीक्षा शर्मा। मैं 8 सालों से व्रत कर रही हूँ ये, और ऑब्वियसली अपने पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं। इसमें हम सुहागिनें आज के दिन मेहंदी लगाती है, पूरा कल पूरा श्रृंगार करके रेडी होती है, और चौथ माता की कहानी भी सुनते हैं, व्रत करते हैं, और पूरे धूमधाम से पूरा दिन अच्छे से निकालते हैं। इस प्रकार से एक्साइटेड है। माता की पूजा पूरा तो डिवोटीज होते हैं हम लोग, तो फिर उनके लिए थोड़ा समर्पण भाव होता ही है, और अपने फैमिली के लिए ज्यादा होता है समर्पित। बाजारों में रौनक किस प्रकार से देखते हैं? बाजार में शॉपिंग होती है सबसे पहले तो मेन हम लोगों की, उसके बिना तो कोई सेटमेंट ही नहीं है। लड़कियों को शॉपिंग होती है, और फिर खाना पीना 1 दिन पहले से स्टार्ट, क्योंकि अगले दिन पूरा व्रत रखना पड़ता है। बस इसी तरह से हम लोग खुश होकर सारा काम करते हैं। आप पहली मेहंदी लगाने हैं, कैसा महसूस हो रहा है त्योहार के बारे में? बहुत ही अच्छा हो रहा है, मतलब मुझे मेहंदी लगाने को बहुत बड़ा शौक है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो किस प्रकार से आप करवा चौथ मनाया जाएगा? मेरा पहला करवा चौथ है, अभी कुछ ज्यादा पता नहीं है, इसलिए मतलब मैं पूछे जा रही हूँ हर किसी से कैसे कैसे करना है, बस यही जानती हूँ। बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छे कपड़े पहनने का, नए नए कपड़े का पहनने का, और मेहंदी लगाने का तो बहुत ही बड़ा। कुछ बताइए करवा चौथ के बारे में, क्यों मनाई जाती है? उतना आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा पहला है ना, तो उस वजह से इतना पता नहीं है मुझे। ये कहते हैं सुहागनों का त्योहार होता है। हाँ जी हाँ जी, ये अपने पति के लिए रखते हैं, पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं ये करवा चौथ ना। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।